Hello students, we'll understand this question now. A satellite is to be placed in equatorial geostationary orbit around the earth for communication. Calculate the height of such a satellite. ठीक है, और हमें डेटा जो दिया हुआ है वो m is equals to this, r is equals to this, t is equals to this and g equal to this value दी हुई है. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं the given data. We have been given mass of earth. सिक्स इंटू 24 के जी, रेडियस ऑफ अर्थ जो हमें लेना है वो 6400 किलोमीटर लेना है. टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर है. ठीक है, एंड जी की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10^-11 SI यूनिट्स है. ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसको कितनी हाइट पर प्लेस किया जाए, इस सैटेलाइट को कितनी हाइट पर प्लेस किया जाए अगर उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स रखना है तो. लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. हमें पता है, एक फॉर्मूला है हाइट निकालने के लिए, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4π² टू द पावर 1/3 माइनस आर. आर क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हमने माइनस किया, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है सरफेस से. ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10^-11. एम की वैल्यू है हमारे पास 6 × 10^24 के जी. देन टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, इंटू 60 × 60 अपॉन 4π² 4 × 3.14² माइनस आर 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर. सो दिस विल बी आर डेटा. सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एच इक्वल टू 3.59 × 10^7 meter. इतनी हाइट पर हमको सैटेलाइट को प्लेस करना पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड हमें 24 आवर्स चाहिए. तो ठीक है, दिस वॉज द आंसर. थैंक यू.